हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स रूम। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मोनोमियल्स एंड बायनोमियल्स। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 3x इंटू एंड 5y एंड 4z। सो सोल्यूशन है इसका 3x इंटू 5y इंटू 4z। सो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इसके कोफिशियंट्स हैं उनको अलग कर लेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 4 एंड एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो 5 थ्री ज़ा 15 एंड 15 फोर ज़ा 60। सो 60 एक्स वाई जेड। सो ये इसका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट इज 4x square into 2xy into 3xy square। इसमें भी हम सेम मेथड से करेंगे, कोफिशियंट्स को अलग कर लेंगे, 4 into 2 into 3 एंड इसके जो वेरिएबल्स हैं वो भी अलग कर लेंगे, x square into xy into xy square। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 थ्री ज़ा 24। अब इसके पावर्स देखेंगे, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1 एंड यहाँ कितनी है 1। सो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड, x टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरह से y की पावर कितनी है 1 एंड यहाँ पर कितनी है 2। सो 24 इंटू एक्स टू द पावर 4 एंड y की पावर 3। सो दिस इज़ आर आंसर। नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बायनोमियल। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्व 2a स्क्वायर इंटू 9a प्लस 7। 2a स्क्वायर इंटू 9a प्लस 7। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर इंटू 9a प्लस 2a स्क्वायर इंटू 7। सो इसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू 9 एंड a की पावर कितनी है a स्क्वायर इंटू a, और पीछे वाले स्टेटमेंट 2a स्क्वायर इंटू 7 दैट इज 14a स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18a क्यूब प्लस 14a स्क्वायर, और ये क्या होगा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है, सोल्व 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको भी सेम तरीके से करना है, इसमें भी एक मोनोमियल दिया हुआ है और ये पूरी टर्म क्या है बायनोमियल, जिसके अंदर डिग्री क्या होती है 2। सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो हम इसे सॉल्व करने के लिए भी सेम क्या करेंगे, हर टर्म को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो सबसे पहले क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5x प्लस 2x इंटू 6। सो ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 5 इंटू 2 इज 10 एंड x की पावर दोनों जगह 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 6 दैट इज 12x। सो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड अ बायनोमियल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।